please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया। मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं जाकिर भाटी जी। जाकिर भाटी जी राजस्थान रियल्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और आज इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। पूरे राजस्थान के अंदर रेरा से रजिस्टर्ड जितने भी रियल्टर्स हैं सबको एक छत के नीचे बुलाया इन्होंने और उन्हें मोटिवेट करा कि कैसे रियल एस्टेट मार्केट में जो मंदी चल रही है उसे रियल्टर्स मिलके दूर कर सकते हैं और क्या रियल्टर्स का महत्व है इस इंडस्ट्री के अंदर। जाकिर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मेस क्रिएट हुआ है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, जो बिल्डर है वो परेशान है, बायर है वो परेशान है और रियल्टर्स तो बिल्कुल परेशान है ही, तो रेरा के आने से उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा और ये मेस कैसे दूर होगा? देखिए, रेरा आने से सबसे पहले तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि रेरा आने से हम ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन प्रोफेशनल रियल्टर है और कौन प्रोफेशनल रियल्टर नहीं है, क्योंकि जिसने रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया है इसका मतलब वो सिंसियर रियल्टर है, वो इंडस्ट्री में प्रॉपर तरीके से काम करना चाहता है, वो सारे बायलॉज को फॉलो करना चाहता है, इसीलिए उसने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया। और रेरा आने से जो हमें ये है कि हम अपने भाइयों को ये ढूंढ पाए कि भाई हु ऑल आर द प्रोफेशनल रियल्टर। राजस्थान में 432 रेरा रजिस्टर्ड रियल्टर्स है और यू विल बी हैप्पी टू नो 286 तो जयपुर में है। अगर हम जोधपुर की बात करें तो लगभग 21 लोग जोधपुर से हैं, उदयपुर की बात करें तो लगभग 11 लोग हैं, जबकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अभी बहुत सारे लोगों को रेरा में रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद में प्रोफेशनल रियल्टर जैसे जैसे रेरा समझेंगे हर आदमी अपने आप को रेरा में रजिस्टर कराएगा और वो रूल को फॉलो करेगा। अगर रूल को फॉलो करेगा तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। सर, रियल्टर्स का रेरा में रजिस्टर होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, रेरा में लॉ है एज़ पर द सेक्शन 9 कि भाई वन हैव टू गेट रजिस्टर अंडर रेरा। हाँ, अगर उसे प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसे रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसमें रियल्टर का क्या फ़ायदा है सर? रियल्टर का क्या फ़ायदा है? सर, रियल्टर को रिकग्निशन मिल गई है, मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड हमें भी रिकग्निशन मिली है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिकग्निशन मिलती है, एक लॉयर को रिकग्निशन है, अब एक एजेंट भी बोल सकता है कि मैं भी सर्टिफाइड रियल्टर हूँ, मैं भी रेरा रजिस्टर्ड रियल्टर हूँ। दिस इज़ ए गुड इनिशिएटिव। जो मार्केट में इस समय मैस है, इस मैस को रेरा कितने टाइम में दूर कर पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इट हैज़ बीन 9 महीने हो चुके हैं इसको, इट विल टेक अनदर 1 ईयर मोर एंड इन द मीन टाइम सारे के सारे, क्योंकि GST रेरा और इनके आने के बाद में जो भी डिमोनेटाइजेशन, इसके बाद में जो इफेक्ट है वो रेरा का अब धीरे धीरे साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्रिया जाकिर भाटी जी अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।